फिकरत साहब, ये सारी जगह इनकी है क्या? हाँ, लेकिन यही जगह नहीं, ऐसी और भी बहुत सी जगह हैं। आ जाएं। सर, आपके मेहमान फिकरत साहब आ गए हैं। कैसे हो? बिजनेस की बात करनी थी फिकरत साहब। जोहरा को आप यहां साथ क्यों लेकर आए? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ अगर मेरी बीवी भी मेरे साथ आ गई तो? सही, प्लीज आ जाओ जोहरा। हाँ तो क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? क्या ये बात सच है कि आप बिजनेस जाकिर को दे रहे हैं और इस्तांबुल छोड़कर जा रहे हैं यहाँ से? सच है। वो शख्स मेरे बाबा का कातिल है। क्या किया आपने? अब उससे डील करेंगे हम, ये बताएं मुझे। पार्टनरशिप आपने की थी फिकरत साहब, हॉस्पिटल में आप माफी मांगने आए थे, ये बात मत भूलिएगा। बिल्कुल, और आप तो इस पार्टनरशिप के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। हाँ तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। लेकिन अभी हमारी एक डिमांड है। कैसी डिमांड? हमारा एग्रीमेंट उसी सूरत कंटिन्यू होगा जब आप साइन करेंगे। इसे गौर से पढ़ लीजिए। अब इसमें क्या नया लिखा है तुमने? इसमें लिखा है कि एग्रीमेंट की सारी अथॉरिटीज मेरे पास है और सारे फैसले मैं ही करूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे? बाकी सब कुछ इंक्लूडिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, आपको आपका शेयर यूं ही मिलता रहेगा। लगता है तुम्हें ये उम्मीद नहीं कि मैं ये साइन करूंगा। हा? मर्जी है आपकी। अब ठीक है? ठीक है। वैसे ये ठीक नहीं, मैं यहां से उर्गुप जा रहा हूं और ये सच है कि सारा बिजनेस में जाकिर के हवाले कर रहा हूं, लेकिन तंजुला में हमारे मुत्तफिका प्रोजेक्ट के अलावा, क्योंकि मैं उसे जाकिर के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कंपनी पर अपनी शराकत का मुआहदा किया वो मेरी नहीं। एक मिनट, फिर किसकी है फिकरत साहब? जोहरा की। लेकिन साइन तो आपने किए थे ना? हाँ, लेकिन जरूरी तो नहीं है बेटा, जिस तरह इस एग्रीमेंट पे आदिल ने साइन किए। लेकिन आपने कंपनी मेरे नाम क्यों की? इस बारे में हम घर चल के बात करेंगे। अच्छा, अगर अब कोई और बात नहीं तो फिर तो क्या हम वापस जाएं? फिकरत साहब, फिकरत साहब, फिकरत साहब, फिकरत साहब, फिकरत साहब, अपनी आंखें खोलें, एम्बुलेंस को कॉल करो। साहब, फिकरत साहब, जल्दी करो, मेरी गाड़ी निकालो जल्दी।
मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ आदर। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं तुम नहीं चल, यहीं पर रहो, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूँगा। कॉल कर देना मुझे। हाँ ठीक है। चलो